सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी जो है मैं हिमाचल से उतरने लगा हूँ और पंजाब के अंदर एंट्री मारने लगा हूँ। और ये हमने पंजाब के अंदर एंट्री मार ली है, पर जैसे हमने उसको बोर्ड को जो है क्रॉस करना है, वहाँ पे एक बैरिकेडिंग लगी हुई है, ठीक है ना। जैसे हम उसको क्रॉस करेंगे तो हम पंजाब के अंदर एंट्री मार लेंगे, बस वही हम करने लगे हैं। एंड गाइज, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए। वैसे मैं आपको अगर मैं आपको अपनी गाड़ी का अंदर का वो दूँ ना, क्या कहते हैं, रिव्यू, क्योंकि एक साल हो गया इस कार को, तो बेसिकली मैं आपको मतलब छोट फिलहाल मैं वैसे पूरी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, पर अभी मैं आपको ना क्या कहते हैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। शॉर्टकट में मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि जो इसकी सीटें हैं ना, सीटें मतलब जो मेरे को फील हुआ है, देखो चलो ठीक है, मतलब ये जितनी महंगी कार उतना बढ़िया तुम्हें चीज़ें मिल जाती हैं, पर मेरा ये मानना है कि ब्रेकें तो चलो हर चीज़ की होती है, पर मैं चलो अब इसकी बात करते हैं। पहली बात इसकी सीट, अब पहले इसकी सीट ना थोड़ी सी हार्ड होती थी, अब जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट होगी, मतलब अब दबती है, अंदर को चली जाती है। दूसरी गलती इसके अंदर ये हुई है, ये देखो भाई, मजाक नहीं कर रहा, जब नई खरीदी थी ना, मजाक नहीं, हिलता तक नहीं था ये। ओ भैंस की आंख, बड़ा पास में गया, ये हिलता भी नहीं था, खुद सोच के देखो। और अब तो खुद ही हिलता है, हिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, देख रहे हो ना, अब खुद हिलता है। तो भाई ये जंक्शन है, अब ये आपने काफ़ी बार देखा होगा इस वीडियो, आप मेरी वीडियोस में ये वाले जंक्शन को, ये मेन जंक्शन है। इस जंक्शन से हर एक उस बंदे को निकलना पड़ता है जो लेह लद्दाख जा रहा है, कारगिल सेक्टर, द्रास, जो भी इस साइड जा रहा है ना घूमने के लिए, तो आपको इस वाली रोड से निकलना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना, इस वाली रोड से। और जो बंदा मनाली वगैरह जा रहा है तो वो इस वाली रोड से आगे से धर्मशाला पड़ता है, और धर्मशाला को रोड चली जाती है, तो आपको बस वो रोड ले लेनी है, तो आप मनाली वाली साइड निकल जाओगे। पहले धर्मशाला, मनाली के आगे से आप मनाली को टर्न ले सकते हो, समझ रहे हो ना। तो बस यही है कि अब ये मैं हाईवे के ऊपर चढ़ चुका हूँ, बस इस हाईवे से हम गुजरते हुए अपने घर की ओर हम निकल जाएंगे, है ना। तो पिछली जो आज की जर्नी में जो स्टार्टिंग में वीडियोस आई थी, उसके अंदर मैंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर तीन बाइक्स हैं, अपनी निंजा, BMW और तीसरी में कोई इंट्रूडर लग रही है, पर मैं उसको पहचान नहीं पाया। लिटरली मैंने वो बाइक देखी है यूट्यूब पे, मतलब वो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, वो जो बाइक थी ना, वो कम से कम 40 लाख वाली बाइक है। फिर वो जो इंट्रूडर आते नहीं यार, जो फॉरन में उनको मिली होती है ऑफिसर्स को, पुलिसमैन को, वो वाली बाइक थी कुछ, मतलब काफ़ी बढ़िया वाली, काफ़ी महंगी होती है, इसके अंदर म्यूजिक भी बजता है। तो अब मेरे को इस ट्रक वाले को ना ओवरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रक वाले ने वहाँ पर मुझे हाथ भी दिया, तो अगर हाथ दिया तो फिर जाओ ना भाई साहब उस साइड। इसका हाथ तो मैंने देख लिया था, पर अब हमें इससे आगे निकलना भाई। अब मैं एक चीज, अब चलो मैं क्या ही बताना, मतलब उस चीज को याद करके भी बहुत ज्यादा डर लगता है। अब यही वो सीन होता है यार, क्या माए, अब अगर ये अंकल नहीं ना होते, अंकल भैया जो भी हैं, तो मैंने इसको ओवरटेक कर लेना था, बस इनकी वजह से मैं ओवरटेक कर नहीं पाया। यार फिर से पीछे लग गया, मैं कितनी बार बोला है यार, जब टू व्हीलर चलाओ, अब मैं खुद की एग्जांपल देता हूँ, जब मैं टू व्हीलर चलाता हूँ ना, मैं कभी भी इस लेन के अंदर नहीं चलाता, क्योंकि मुझे मालूम है जो पीछे से आ रहे हैं वो भी मेरी तरह ही आ रहे हैं, जैसे मैं आ रहा हूँ, उड़ता हुआ जा रहा हूँ। अब ब्रेक मरवाते हो, ब्रेक मरवा रहे हो मेरी, समझ रहे हो ना, मेरी ब्रेक बज रही है, तो वो ये थोड़ा गुस्सा सा आता है फिर अंदर से, क्योंकि पता सीन क्या है, ये जो फोर व्हीलर टाइप गाड़ी होती है ना, ये हम अपनी पेस पे नहीं चलते, जब ट्रैफिक लग जाता ना तो फिर हमें ट्रैफिक पे पेस पे चल पड़ते हैं, आपको बात समझ में आ रही है। टू व्हीलर का क्या होता है, जिग-जैग वे में हम कहीं भी निकाल लेते हैं, पर जो ये जो अपने होते हैं ना, अरे यार रुक जाओ, मैं देखता हूँ मैं निकाल पाऊँगा कि नहीं, मेरे को लगता नहीं है मैं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं निकाल पाऊंगा। रीज़न उसका पता क्या है, नहीं निकालने का होगा, इसकी आँख पीछे से वो आ रहा है। ओ यार गाड़ियाँ उड़ती आ रही हैं, ओए क्या उड़ती हुई गाड़ियाँ आ रही हैं। तो आपको जैसे पता ही है कि मैं आर्मी इलाके में रहता हूँ, तो वो देखो गश्त लगा रहे हैं, वो गश्त समझते हो ना क्या होता है गश्त, वो गश्त लगा रहे हैं, ये ध्यान से देख रहा है इस ट्रक को, ध्यान से
आपको देखना ही है कि देखना वो बंदा बाहर निकला होगा, पीछे पूरी पलटन बैठी हुई है इनकी, देख रहे हो पीछे पूरी पलटन बैठी हुई है, ऊपर बंदा बाहर निकला हुआ है, ये गश्त लगा रहे हैं ऐसे करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे वो रस्सियाँ टंगी हुई थी, गश्त लगा रहे हैं मतलब कि उन्होंने पूरा एरिया का राउंड लेना, उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये चलता रहता हमारा आर्मी इलाका, यहाँ पे मतलब अब ऐसे वो है, ये आर्मी इलाका ही अपना, तो मेरे यहाँ इलाके में ये सब होता रहता है, नॉर्मल हमारे लिए, इट्स नॉर्मल थिंग फॉर अस। सो गाइज, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज टू लाइक सब्सक्राइब टू दी चैनल, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मतलब टू बी वेरी ट्रू, अगर अगर हमारा चैनल चला, मैं किसी को क्या कहते ऐसी उम्मीद दे नहीं देता, ना ही मैं झूठ बोलता हूँ, सीधी बात है। क्योंकि देखो ये सीधी सीधी बात है, कोई भी बिजनेस तब चलता है जब उस पर प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का बिजनेस ही है, जब मतलब ऑडियंस होगी हमारे चैनल के ऊपर तो हम फिर मनाली फोरम मतलब जहाँ पे भी हम जा सकेंगे ना, यहाँ तक कि दुबई भी मेरा सपना है, तो मतलब हम सब जगह के जो हैं टूर करेंगे। लेकिन तब पॉसिबल है जब यहाँ पे हमारे में वो आएंगे, क्या कहते सब्सक्राइबर्स होंगे, जब सब्सक्राइबर ही नहीं होंगे तो फिर क्या करना करके, फिर थोड़ी करना यार, वाला फिर तो वही हो गया कि पहले मैं क्या कहते इस चैनल को हम चलाएंगे अच्छी तरह से, जब ये चैनल चल पड़ेगा फिर हम सब कुछ करेंगे, समझ रहे हो ना। चलो भाई निकाल लो, भाई साहब क्या सीन है भाई। सो ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल। खमागनी, खमागनी बोलते ना, खमागनी।